माननीय अतिथि आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को पूरे सम्मान के साथ मैं यहाँ बुलाऊंगी। उससे पहले बहुत संक्षेप में आपका परिचय। मुजफ्फरपुर बिहार से आप हैं और गोवा के पूर्व राज्यपाल के पद पर आप रही। पांचवा स्तंभ नामक सामाजिक पत्रिका आपके संपादन में निकलती रही है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान और दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के अतिरिक्त एक बहुत लंबी सूची मेरे पास है जो आपकी उपलब्धियों की, सम्मानों की और पुरस्कारों की है, लेकिन हमारे लिए आपकी उपस्थिति किसी पुरस्कार से कम नहीं। कृपया यहाँ आए और हमें मार्गदर्शन करें। जिन्होंने अभी आपके बीच वैदिक काल से लेकर और आज तक जो समाज की स्थितियां बदली हैं, उसके साथ साथ महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आया है और उन परिवर्तनों को किस तरह से हमारी लेखिकाओं ने, महिला साहित्यकारों ने कलमबद्ध किया है, उसका बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही गूढ़ विश्लेषण करके और हमारी बहन चंद्रकांता वैशिन, मैंने पहली बार वैशिन सुना, लिखा हुआ देखकर मैंने कहा, बोली मैं लिखती तो नहीं हूँ, तो हम मेरे से छोटी हैं, मैं उनको उनके अध्ययन और उनका काम बहुत विस्तृत है जिसके बारे में कभी आप लोग पढ़ें, एक चंद्रकांता करके आप गोष्ठी करें, उनकी सभी किताबों पे करें, बहुत अच्छा काम और बहुत पुरस्कार मिले हैं। पद्मा राजेंद्र जी, ज्योति जैन, सुरभि और बामा और घमासान .com के सभी सदस्यगण, जैसा कि कहा गया भारतवर्ष के कोने कोने से आई हुई महिला साहित्यकार और इनके बीच कुछ बंधु भी हैं। मैं जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे के लिए आशीर्वाद देती हूँ आपकी लेखनी को कि लेखनी चलती रहे चले गति का संकल्प लेकर। मैं राजनीति में रही, सामाजिक कार्य में रही, महिलाओं के संबंध में बहुत सारी गोष्ठियों का आयोजन जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर किया, लेकिन जिस सम्मेलन में कम से कम 33% पुरुष न हो उस महिला सम्मेलन को मैं सफल नहीं मानती। मैं कार्यकर्ताओं को कहती थी, महिला आयोजकों को कहती थी कि पुरुषों की उपस्थिति महिला सम्मेलन में बहुत आवश्यक है, इसलिए कि जो विचार आप वहां रखेंगे, जो जो प्रस्ताव पारित करेंगे, जो समस्याओं का समाधान जो आप ढूंढेंगे उसको कार्यान्वित कौन करेगा, यदि केवल महिलाओं ने ही जिम्मा उठा लिया कि हम सभी समाधान कर देंगे तो फिर तो समाज में बहुत बड़ी दरार आप खींचते। महिला और पुरुष बात अलग अलग नहीं, हम एक होकर समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, समस्याओं को ढूंढेंगे। कहीं पे मैंने समाज कैसा हो इसको लिखते लिखते कविताएं मैंने बहुत कम लिखी है, गीत बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत सारे गीत जैसे राष्ट्रगीत भी हिंदी के बने हैं, तो उसकी चार पंक्तियां हैं। कैसा हो समाज, ममता से हो ओत प्रोत, समता आधारित समाज हो, संवेदना हृदय का भूषण, इससे सजा समाज। हर्षित मुकरा हर यौवन का पग में गति ले आए, निस्दिन नूतन गान सेवा का तीन पीढ़ियां गाए, तीनों पीढ़ी मिल गाए नव समाज निर्माण। संवेदना चाहिए, महिलाएं सभी अपने जो दिखते हैं अंग सब में जेवर पहनती हैं, सजना उनका धर्म है, बहुत अच्छी लगती है, पहनना चाहिए जेवर, सब पहनती है, पुरुष भी आजकल पहनने लगे हैं, पहले भी राजा महाराजा पहनते, लेकिन
एक अंग है हमारा, उसमें कोई जेवर नहीं, कोई गहना नहीं, कोई आभूषण नहीं, और उस अंग के कारण हम यहाँ हैं, और वह अंग है छुपा हुआ हृदय। उसका आभूषण संवेदना ही है। किसी के मानवीय मूल्य को यदि परखना हो, जांचना हो, तौलना हो, तो उसके हृदय में कितनी संवेदना है। गांव में महिलाओं को बहुत नजदीक से मैंने देखा है, पता नहीं कैसे, कभी कलम चलानी थी बड़े होकर, बचपन से उनके चीजों को संभाला, कब किसका भाव कैसा रहा। कल भी मैंने अपने पति से बताया कि क्यों उस समय मेरे पिताजी जब मेरे छुटपन में मुझसे ही कहते थे, किसी से नहीं कहते थे, और अपनी मेरी भाषा में, हमारे यहाँ मैथिली में बोलते थे, बउआ आज बेग में से फेन 2 रुपया चोरी हुए, बैग में से उनके 2 रुपया 1 रुपया निकल जाता था, और वो बैग माँ ही रखती थी, और ऑफिस जाते समय माँ ही निकाल के देती। उनको मालूम था ये पैसा किसने निकाला। अभी भी मुझे बोलते हुए रोमांच हो रहा है, किसी और को नहीं कहा। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे पे इतना विश्वास क्यों करते थे, ये मैं कल मैं बैठे हुए एनालाइज कर रही थी, कितना विश्वास। और मैं भी, या हो सकता है कि उनको मालूम होगा कि जो लड़की है जो छुपन में भी इतना जानती है, समझदार है, कि यदि माँ को बताना होगा, दूसरों को बताना होगा, तो किस भाषा में बोलेगी, कैसे माँ का भी सम्मान रखेगी, पिता का भी सम्मान रखेगी। उन्हें मालूम था, कितना विश्वास, भैया भी तो थे, उनको नहीं बताते। और ये उस उम्र से लेकर आज तक जो पुरुषों से मिलना हुआ है, जिन जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पुरुष मतलब सारा पुरुष समाज है, महिला मतलब पूरा महिला समाज, वो सचमुच उनके अंदर वो मंत्र का भाव जिंदा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवे। लेकिन उनको क्या करें, हम महिलाएं जानती हैं, हम हमेशा चावल को थाली में लेकर चावल से कंकर चुनती रही। एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगी, जो अनपढ़ लोग हैं वो किस तरह से महिला के बारे में अपने मन में क्या जानकारी रखते हैं। मैं अपने शहर ट्रेन से गई थी, बहुत साल पहले की बात है, 2 अटैचियां थी, एक पुली के सिर पे रखा, एक मेरे साथ काम मेरे घर में करती थी वो महिला भी जा रही थी, वो बाएं चली और मेरे पति दाएं जाना चाहते थे प्लेटफॉर्म, इधर से भी पहुंचे थी उधर से भी पहुंचे, और बार बार मुझे कह रहे थे इधर मत जाइए, मैं उस महिला के पीछे जा रही थी। विस्तार से नहीं कहूंगी, संक्षेप में, पुली ने सिर पर बोझ उठाया हुआ था, उसने मेरे पति से कहा साहब उन्हीं के पीछे चलिए, महिला है नहीं लौटेंगी। और आप साहित्यकार लोग जरा सोचिए उसने उपमा क्या दिया, वो फूटा है, एक आंगन में घर गई तो घर गई, उस आंगन से नहीं निकालना निकलना चाहती है, कोई मजबूरी बहुत नहीं आ जाए, वो फूटा है। मेरे पति अंग्रेजी हिंदी संस्कृत बहुत सारे भाषाओं के पंडित और विश्लेषण करने वाले, पहली बार मैंने देखा कि मेरे से आगे, फिर हम उनके पीछे पीछे चले, पुली भी चला और हम गाड़ी में आके ये बैठ गए। पुली से कोई झकझक नहीं की, हम जानते हैं हम पुली के साथ बहुत झकझक, हजारों रुपया खर्चा कर लो, लेकिन पुली को देते समय हम दोनों का भेद प्रकट हो जाता था, मैं दे दो 20 रुपया, कहेंगे क्यों दे दूं, 15 रुपया होगा अधिया, तो बहुत खुश। मैंने पूछा क्या कि इतना प्रसन्न है, मैंने कहा हुआ क्या, अरे सुनी कोई वेद में कुरान में कहीं ज्ञान नहीं मिला, सब कुछ पढ़ गया, आज बहुत बड़ा ज्ञान दिया पुली ने। क्या ज्ञान दिया, वो औरत तो फूटा है उसी के पीछे चला।
यदि हम उसको विस्तार करें तो परिवार के काम में जो वो डिसीजन लेती है वो पुली जानता है। और हम उसका नाम था भगवान सिंह। और उसके बाद हम जब जाते थे पटना में भगवान पुली से पूछते थे भगवान सिंह का, इसलिए पूछते थे कि कुछ ज्ञान और मेरे पति को मिले। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, आपकी लेखनी को बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.